आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 5.8। अब इसमें क्या है? इसमें आपने जब भी इसको ऐड करना है तो आपके पास लिमिट कैलकुलेटर की मुकम्मल हो जाती है। अब आपने क्या करना है, जितने भी इसमें ऐड होते हैं वो कर लें, ठीक है, उसको इक्वल टू प्रेस कर लें। उसके बाद आप नेक्स्ट, फिर यहाँ पर प्लस का बटन प्रेस करें। जैसे आप प्लस का बटन प्रेस करेंगे उसके बाद रहती हुई वैल्यूज़ को एंटर करेंगे। जैसे मेरे पास रह गई 32.40, और उसके बाद मेरे से एक और भी वैल्यू यहाँ पर रही है, वह 15 पॉइंट इसमें ऐड करनी है, 15.65। ये भी मेरे पास से छूट गई थी, ठीक है, ये भी मैं एंटर कर लेता हूँ। अब ये आपका फुल आंसर आ रहा है 3.32। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। मैंने दूर दूर करके इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इसे इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने को कहा है वो यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, और इसका नेक्स्ट, क्योंकि एक ही बार में इतना लंबा नहीं लिख सकता था मैं, अगर लिख लेता तो आपको नज़र नहीं था आना, तो इसीलिए मैंने इसको दो अलग अलग जगहों पे डिवाइड कर दिया, लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा, इससे आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना। पहले आपको कहता कि 1945 को एज ए बेस ईयर लें। 45 को एज ए बेस ईयर लेने का मतलब ये है, देखें आपके जो इंडेक्स नंबर होता है वो होता है आपके पास PUN इज इक्वल टू PN डिवाइड बाय PO, P0 जिसे बोलते हैं। करंट ईयर वही होता है जिसके हम जिस पर हम खड़े होते हैं, जिसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके लिए करंट ईयर की प्राइस ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये, इधर उधर नहीं करनी, सामने वाली करंट ईयर प्राइस होगी, डिवाइड बेस ईयर पे करना है। उसने कहा बेस ईयर आपने रखा है 1945 को, वेरी सिंपल, करंट ईयर ही रहेगा, बेस रहेगा ये 12.7 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी, इस तरह से करेंगे। दूसरे नंबर पर उसने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट की है कि कंसर्टेड डिस्ट्रीब्यूशन विद टू डिजिट्स, टू डेसिमल पॉइंट्स। अब ये बात आपको पेपर में कभी नहीं कहीं मिलेगी, क्योंकि पेपर में आपने खुद डिसाइड करना था कितने डिजिट तक रखें। बेसिकली जो स्टैंडर्ड चलता है वो टू डिजिट तक ही रखें तो अच्छा है, टू या थ्री डिजिट एंड है, ये बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन के अंदर आप खुद ही देख लीजिएगा, टू डिजिट तक फिक्स है इसमें। अगर इसमें ना भी कहता तो मैंने टू डिजिट तक ही करनी थी, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टू डिजिट है। अगर एक भी वैल्यू उसमें थ्री डिजिट तक होती, फर्ज करें ये थ्री डिजिट तक होती, यहाँ पर हम एक और 7 डाल देते हैं, थ्री डिजिट तक होती, तो मैंने इस स्टेटमेंट के लिखे ना होने की वजह से सारे क्वेश्चन को मैंने थ्री डिजिट तक फिक्स करके ही लिखना था। आपने ज़्यादा से ज़्यादा देखना है कि फिक्स कितना उसने करके क्वेश्चन हमें दिया है, आपने भी उतना ही करना है। अब सबसे पहले आपने इसके दो पार्ट्स हैं, पहले उसने कहा आपने फाइंड आउट करना है करंट ईयर एज ए 45 को रख के, इसका मतलब ये है कि 12.7 डिवाइड बाई 12.7 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर 100 ही आएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह करेंगे, 18.97 डिवाइड बाई 12.7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये देखते हैं ये कितना आ रहा है हमारे पास, 18.97 डिवाइड बाई 12.7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरे पास आ रहा है 149.37, ठीक है, टू डिजिट तक यही आ रहा है। अब आपने बोर्ड में जब भी ये क्वेश्चन करना है या वैसे अपने रजिस्टर पर करना है तो ये बार बार साथ नहीं लिखना, ठीक है, डायरेक्ट ही लिख देना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा था। क्या आ गया हमारा 100, पहले जो उसका, ठीक है जी, ये आ गया 100, और ये आ गया 149.37। अब नेक्स्ट इसको भी इसी तरह करना है, 19.7
डिवाइड बाय 12.7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये करते हैं, ये आ रहा मेरे पास 155.12। टू डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स करते हैं। अब इसको भी इसी तरह करना है, फिर अब जल्दी से कर लेते हैं, 106.30 आ जाएगा। ठीक है, आपका टू डिजिट तक जितना भी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी तरह 15.65 डिवाइड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय दिस, 123 डिवाइड 0.23 आ रहा है। नेक्स्ट है 24.85 डिवाइड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये आ रहा मेरे पास 195.67। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 20.90, तो ये आ रहा 164.57। इसके बाद 19.80, तो ये मेरे पास आ रहा 155.91। ठीक है, पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए तो भी कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट इसी तरह इसका भी फाइंड आउट करना है, लेकिन बेस किसको रखना है, हमने 1945 को ही रखना है। 23 डिवाइड बाय 23.65 डिवाइड बाय 12.7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा 186.22। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास 24.55। नेक्स्ट है 15.65, तो ये आ रहा मेरे पास 123.23। आपने जल्दी जल्दी से करना है। अब नेक्स्ट 16.15, 127.17। नेक्स्ट है आपके पास 20.20, ये मेरे पास है 159.06। नेक्स्ट हमारे पास 25.25, ओके ये हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। एज ए गारंटी बेस ईयर किसको रखा, 45 को। अब आपने एक बात याद रखनी, जिस भी ईयर को बेस ईयर रखना है उसकी प्राइस जो है वो उसका इंडेक्स नंबर की प्राइस जो कि वो 100 ही आएगी। अब इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसने नेक्स्ट क्या कहा, नेक्स्ट आपने करना है एवरेज प्राइस ऑफ फॉर ऑल ईयर एज ए बेस, तमाम ईयर की प्राइस को एज ए बेस रख के सॉल्व करना है। अब तमाम ईयर्स की टोटल आया हमारे पास 303, देखिए आपके पास जो एवरेज होती है वो होती है समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, एक्स बार ही अक्सर यूज होती है, तो ये आपके पास है दिस एंड डिवाइड बाय एन। एन इसको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, एन इसका है 15 है। फिर से काउंट कर लेते हैं, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14 और 1, 15, 15 है। ठीक है जी, 15 पे डिवाइड कर लें, जो भी आंसर आएगा 303.92 डिवाइड बाय 15, तो यह आ जाएगा 20.26 आ गया। ठीक है जी, इसको हमने एज ए बेस ईयर प्राइस को यूज करते हुए हमने इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। अब सेकंड इसका पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम इधर ही करेंगे, उसका नेक्स्ट करेंगे।
इस तरह से करना है, मैं आपको एक करके बता देता हूँ। 12.7 जो भी आएगा इसके लिए 18.97, इसके लिए 19.70, डिवाइड करना है 20.26 पे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई 100 से करना है। ठीक है जी, यही हम इधर करेंगे। 12.70 या 7 डिवाइड बाय 22.6, सॉरी 20.26 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा है मेरे पास 62.69। अब इसमें मे भी पॉइंट के पास थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो उसे आपने बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी। नेक्स्ट है हमारे पास 18.97 डिवाइड बाई 20.26 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये मेरे पास आ रहा है 93.63। अब इसी तरह नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 19.70, ये आ रहा मेरे पास 97.24। अब नेक्स्ट है मेरे पास 13.50 डिवाइड बाई 20.26 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ रहा है 66.63। नेक्स्ट 15.65 डिवाइड बाय 20.26 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा है 77.25। अब नेक्स्ट है हमारे पास 24.85 डिवाइड बाय 20.26 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा है 122.66। नेक्स्ट है 20.90, तो ये आ रहा है मेरे पास 103.16। नेक्स्ट है 19.80, तो ये आ रहा है मेरे पास 97.73। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट इसका कर लेते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट है 23.65 डिवाइड बाय 20.26 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा मेरे पास, इसको जल्दी से कर लेते हैं नेक्स्ट इसको 116.73। अब इसका कर लेंगे नेक्स्ट 24.55, तो ये मेरे पास आ रहा है 121.17। अब इसके नेक्स्ट कर लेते हैं 15.65, नेक्स्ट है मेरे पास 16.15, तो ये आ रहा डिवाइड बाय 20.26 नेक्स्ट है मेरे पास 20.20, ये आ रहा 99.70। नेक्स्ट है 25.25 डिवाइड बाय 20.26 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 124.63 आ रहा है। अब नेक्स्ट लास्ट वाला है 32.40 डिवाइड बाय 20.26, तो ये आ रहा 1459.92। अब मे भी आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। पहले हमने क्या किया, पहले हमने एज बेस ईयर 1945 को एज ए बेस ईयर रखा, जिसकी प्राइस को एज ए बेस ईयर प्राइस यूज करते हुए इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने तमाम ईयर्स की प्राइस का एवरेज लिया, एवरेज को लेकर हमने फाइंड आउट किया इंडेक्स नंबर। अब मे भी ऊपर मैंने लिखा था सेकेंड, ठीक है, ये आप बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है।